हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास सीबीएसई। दोस्तों, इसके पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं और आज बात करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर आप पहले उसको देखें, तभी आप पार्ट थ्री को देखें, तभी आपको पार्ट थ्री समझ में आएगा। दोस्तों, पार्ट वन में बेसिक बात की थी कार्बन के बारे में, पार्ट टू में हाइड्रोकार्बन्स की बात की है और एल्केन्स की बात की है। किसकी बात की है? एल्केन। एल्केन बता चुका हूं, एल्केन क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो दोस्तों वो क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन्स। और बात करें एल्कीन, जैसा कि कल मैंने बताया था, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसकी तीन श्रेणियां होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि किस टाइप से बनते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब बात करेंगे एल्कीन की। दोस्तों, एल्कीन जो होता है, एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसको कहा जाता है एल्कीन। और एल्काइन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो दोस्तों होता है एल्काइन। अब यहां पर तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन से। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि जो एल्केन है, एल्केन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात करें एल्केन और एल्काइन की, तो दोस्तों एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको कल बताया था एल्केन के बारे में कि एल्केन कैसे बनते हैं और इनका नाम कैसे करते हैं। तो आज बात करेंगे एल्कीन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एल्कीन की। और दोस्तों अगर आपने पार्ट टू और पार्ट वन को नहीं देखा है तो दोस्तों आपसे पहले कहना चाहूंगा मैं कि आप उनको जाकर जरूर देखें, उसी के बाद में पार्ट थ्री देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। कैसे हाइड्रोकार्बन की? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। इससे पहले दोस्तों मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोगों को बता चुका हूं, उसमें अपने पढ़ा था एल्केन के बारे में। कौन सी श्रेणी पढ़ी थी दोस्तों? एल्केन। और एल्केन क्या होते हैं? एल्केन, जिसके पीछे अनुलग्न क्या लगे दोस्तों? एन। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो दोस्तों उसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन में कितने मेंबर आते हैं? टोटल 10। कौन कौन सा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से एन एन लगता है पीछे। और स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में समझेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो इसको बोलते हैं क्या? एल्कीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्कीन। दोनों में अंतर दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर ईन आ रहा है, वहां पर एन आ रहा था। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कितना बॉन्ड? तीन बंद हो इस टाइप से, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। यहां पर आइन आ रहा है, यहां ईन आ रहा है, उसमें एन आ रहा था। तीनों में डिफरेंस समझ लिया आप लोगों ने? ये दोनों तो अनसेचुरेटेड होते हैं और एल्केन क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड से जो बने। तो यहां पर पढ़ेंगे आज एल्कीन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल्कीन। अच्छे से समझना तभी आपको समझ में आएगा एल्कीन। अब एल्कीन में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बना दी मैंने कार्बन, कार्बन बना दिया। इसके पास कितने हाथ होते हैं? चार हाथ होते हैं। अब यहां पर एल्कीन मतलब है डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बना देता हूं तो इधर एक और कार्बन आना चाहिए। तो दोस्तों ये तो दो कार्बन हो गए। सी वन को क्या बोलते हैं? मीथ बोलते हैं, आप लोगों को पता है मीथ। और सी टू को क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर डबल बॉन्ड से मीथ मतलब मीथिन नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो इधर एक और कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, और जब कार्बन दो हो जाएंगे तो इसका नाम मीथिन नहीं रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिन। तो दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं इथिन की स्ट्रक्चर। इसमें मीथिन नहीं बनता है, आप लिख लो मीथिन, मीथिन नहीं बनता है, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि डबल बॉन्ड आएंगे तो दो कार्बन होंगे और दो कार्बन होते इथीन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। एल्कीन क्या होते हैं? एक कार्बन और दूसरा कार्बन। अब मैंने आपको बताया था कि एल्कीन दो बंद से बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। मैंने लगा दिए डबल बॉन्ड, लगा दिए। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन और जुड़ेंगे? देखो ये वाला कार्बन, इसके पास चार हाथ होते हैं, टोटल चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो बिजी है दूसरे वाले से दोस्ती करने में। बचे कितने? दो हाथ। तो दो हाइड्रोजन लगा दो, ये लगा दिए आप लोगों ने, दो हाइड्रोजन लगा दिए।
इधर भी सेम दो इलेक्ट्रॉन बीजी है, दो और है ना इसके पास, तो दो क्या करेंगे हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेंगे, लो कर ली इन्होंने दोस्ती। अब देखो इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने हैं सी टू, कितने कार्बन है सी टू, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, फोर हाइड्रोजन है। अब आप मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा, देखो सी वन मीट, सी टू ईथ, सी थ्री प्रोप, सी फोर ब्यूट, सी फाइव पेंट, इस टाइप से मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या होगा, ईथ, ईथ तो होगा, क्यों होगा क्योंकि दो कार्बन है, कितने कार्बन है दो, तो लिखो यहां पर ईथ, लिख दिया आप लोगों ने ईथ। अब देखो जब आपने यहां पर ईथ लिख दिया, अब यहां पर आप देखोगे बॉन्ड, क्या देखोगे बॉन्ड की कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा एन लगेगा, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा और डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, क्या लगेगा इन। तो अब आप मुझे बताओ यहां ईथ के पीछे क्या लगेगा, इन लगेगा, इसका नाम क्या होगा इथीन, क्या नाम होगा दोस्तों इसका इथीन, इथीन नाम क्यों हुआ आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो अनुलग्न लगता है इन और कार्बन कितने दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कार्बन तीन हो तो देखो क्या होगा, कार्बन तीन हो तो मैं बना देता हूं यहां पर तीन कार्बन, कितने कार्बन तीन कार्बन, और ये लगा दिया मैंने यहां पर डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर डबल बॉन्ड लगाओ, यहां पर लगाओ जहां आपकी मर्जी पड़े वहां पर लगाओ, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आगे बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर लगा दिया सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने लगेंगे, देखो हाथ कितने बीजी है, दो हाथ बीजी है इस कार्बन के, दो हाथ फ्री है तो लगा दो हाइड्रोजन, लग गया। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे, अब देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इधर बीजी है इससे दोस्ती करने में, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले से दोस्ती करने में बीजी है, तो कितना हाथ बचे तीन हाथ बीजी, तो एक हाथ बचा तो एक हाथ है लगा दो हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाथ फ्री है, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन इसका बीजी है दोस्ती करने में, बाकी तीन फ्री है तो तीन पे हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया आपने हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला बनाओ, एक दो तीन, कहने का मतलब कार्बन तीन, कार्बन कितने हैं दोस्तों तीन, अब हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स और कार्बन कितने थ्री। अब इसका नाम क्या होगा, आ जाओ इधर देखो यहां पर तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं दोस्तों तीन कार्बन को प्रोप, तो यहां पर लिखो प्रोप, लिख दिया प्रोप। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो पीछे क्या लगेगा इन लगेगा, मतलब एल्कीन है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपीन, आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन। अब बात करें अगर कार्बन कार्बन मतलब कार्बन या तीन कार्बन है, अगर चार कार्बन हो जाए तो देखो चार कार्बन होंगे तो क्या होगा, ये बना देता हूं मैं यहां पर चार कार्बन, 1 2 3 4, चार कार्बन बना दिया और यहां पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, लगा दिया। अब देखो इसके पास हाइड्रोजन हाथ, आप समझिए गए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, गिन लो इसके पास कितने हाथ, कार्बन के पास कितने हाथ टोटल चार हाथ, दो हाथ भी दिए दो हाइड्रोजन लगा दो, और यहां पर दो हाथ तो इधर बीजिए एक इधर बीजिए तो एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, अब इसके पास दो हाथ इधर बीजिए तो दो हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर तीन हाइड्रोजन लगेंगे। अब देखो कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए चार कार्बन हो गए, कितने हो गए दोस्तों चार कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन हो गए 8। अब इसका नाम क्या होगा, आप लोग करो इसका नाम क्या होगा, देखो चार कार्बन, एक कार्बन को मीथ, दो कार्बन को ईथ, तीन कार्बन को प्रोप और चार कार्बन को ब्यूट, तो मैंने लिख दिया यहां पर ब्यूट, लिख दिया। अब पीछे क्या लगेगा, एक कैसे देखोगे बॉन्ड देखोगे, क्या देखोगे बॉन्ड देखोगे, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा इन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। देखो इस चेन में कहां पर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है इस चेन में तो इसके पीछे क्या लगेगा इन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, क्या हो गया इसका नाम ब्यूटीन। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी कि अगर कार्बन चार हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए एट, मतलब कार्बन के जस्ट डबल हो जाते हैं। तो यहां पर इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें सामान्य सूत्र तो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब यहां समझने की कोशिश करना है इसको, कार्बन
अगर कार्बन मेरे पास कितने हैं, पांच हैं, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर मेरे पास कार्बन पांच हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो लिखो यहां पे हाइड्रोजन फॉर्मूला, फॉर्मूले का टू, और एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, मल्टीप्लाई करो किससे, कार्बन से, कितने, पांच। अब देखो यहां पर क्या आएगा, C5, C5 और कितने हो गए 10, मतलब कार्बन का जस्ट डबल हो गया। अब इसका नाम आप देख सकते हो, कार्बन पांच है, पांच को क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, डबल बॉन्ड लग रहा है, मतलब डबल हो रहा है, जस्ट इसका पांच का डबल हो रहा है, तब समझ जाओ आप कि क्या है, एल्कीन है, तो यहां पर लगा दो इन, तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, पेंटीन। और इससे पहले क्या पढ़ा था, एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद है, कहीं भूल तो नहीं गए, उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। देखो अगर कार्बन पांच है, कितने कार्बन पांच है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, टू, फॉर्मूले का नंबर ऑफ कार्बन 5+2, C5 और H, पांच को मल्टीप्लाई करो 10+2 12, तो यहां पर क्या है, H12, और इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, क्या होगा, पेंटेन। इससे पहले वाले वीडियो में ने इसके बारे में पढ़ाया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो वहां पे जाके इसको जरूर देख ले, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से जो एल्कीन है, इसके जो 10 मेंबर है, आप उनकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो पांच तक स्ट्रक्चर बना ली, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर छह कार्बन होंगे तो, देखो छह कार्बन होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, छह कार्बन, 1 2 3 4 5 6। लेकिन दोस्तों अभी ये सिंगल चेन है, इसका मतलब एल्केन है, लेकिन मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे, इस कार्बन के दो हाथ बिजी, तो दो हाथ फ्री, ये जोड़ दो हाइड्रोजन, इसका एक हाथ फ्री है, बाकी तीन हाथ बिजी है, इसके पास दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस टाइप से, यहां भी दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहां भी दो, यहां भी दो, लेकिन यहां पर तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, आप समझ ही गए हो, एक ही तो हाथ बिजी है दोस्ती करने में, बाकी तीन तो फ्री है, आओ दोस्ती करो इनके साथ, हाइड्रोजन दोस्ती कर ली। अब देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कार्बन 6 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जस्ट डबल हो जाएंगे इसके हाइड्रोजन, कितने हो गए, 12। अब इसका नाम आप मुझे बताओ क्या होगा, इसका नाम, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेग्स, हाँ हेग्स बोलते हैं, सही है, पीछे क्या लगाओगे, इन, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो क्या लगा दिया आपने, हेग्जीन। तो दोस्तों इस टाइप से आप इसकी पूरी की पूरी जो 10 मेंबर है उनके स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों अब आगे बात करते हैं एल्काइन की, एल्काइन क्या होता है, आपने एल्केन समझ लिया, सिंगल बॉन्ड होगा और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन, और एल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कीन। इसमें पीछे लगता है इन, और एल्केन में लगता है एन, और एल्काइन में लगता है आइन। देखो एल्काइन समझते हैं, क्या समझेंगे अब, एल्काइन। दोस्तों अगर आपको किसी में भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसको समझा दूंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब समझेंगे एल्काइन, क्या समझेंगे, एल्काइन, आप लोगों ने एल्केन पढ़ लिया और एल्किन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, एल्काइन, पीछे अनुलग्न क्या लगता है, आ इन, क्या लगता है दोस्तों, आ इन, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, एल्काइन, YNE, ये लगेगा इसके पीछे अनुलग्न। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अब यहां पर मैं कार्बन बना रहा हूं, आप लोग समझ गए एल्काइन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब डबल बॉन्ड किसके पीछे लगता है, जिसमें ENE अनुलग्न लगे, यहां पर YNE लग रहा है, उसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहां अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो इधर एक और कार्बन आना चाहिए, तो दोस्तों एक और कार्बन आते क्या हो जाएगा, ये ईथ हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, मिथाइन नहीं बनेगा, लिख लो मिथाइन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहां पर कोई और कार्बन आ जाएगा तो वो इथाइन हो जाएगा। अब इथाइन की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इथाइन क्या होता है, देखो इधर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन कितने लगेंगे, एक एक हाइड्रोजन लगेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है एक एक क्यों लगेगा, क्योंकि एक ही तो हाथ फ्री है इनका। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, अब इसका नाम क्या होगा, आप लोग करो नाम क्या होगा, एक को मीथ, दो को ईथ। अब बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन, इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन कार्बन और कार्बन, यहां बना दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन एक जुड़ गया, यहां हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, देखो इस वाले कार्बन के कितने हाथ, चार हाथ, तीन हाथ बीजी दोस्ती करने में और एक हाथ इधर बीजी दोस्ती करने में, तो चारों हाथ इसके बीजी है दोस्ती करने में, लेकिन इस कार्बन के पास
हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, C3H1234, C3H4। इसका नाम क्या होगा, आप लोग करो, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को मीथ, दो कार्बन को ईथ, तीन कार्बन को प्रोप, ये लिख दिया प्रोप। अब बॉन्ड देखो, बॉन्ड देखना है तभी नाम आपका सही होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे लगा दो आयन, क्या लगा दो आयन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। अब देखो यहां पर प्रोपाइन नाम हो गया इसका, तो आप इसी टाइप से पूरे के पूरे 10 मेंबर्स के नाम लिख सकते हो और उनकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब इसका यहां पर एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, लिख लो इसको। मतलब अगर कार्बन कितने हैं, चार हैं, ये एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन चार हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो ये टू फॉर्मूले का, और यहां पर मल्टीप्लाई में एन कितना आएगा, फोर, और ये आ गया -2। अब आगे इसको सोल्व करो, क्या आएगा, कार्बन चार हैं और हाइड्रोजन कितने होंगे, मल्टीप्लाई करो चार को दो से तो कितना आएगा, एट, एट में से माइनस करो टू तो कितना आएगा, सिक्स, तो हाइड्रोजन सिक्स, H4 6। अब ये किसका फॉर्मूला हुआ, चार कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। अब पीछे क्या लगेगा, आयन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। तो आप इस टाइप से जो बाकी के जो मेंबर बचे हुए हैं, मतलब C5 C6 C7 C8 C9 और C10, आप इनकी स्ट्रक्चर बना के जरूर देखें, और अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या स्ट्रक्चर बनने में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, मैं अगले वीडियो में आपको उसको जरूर बता दूंगा, सोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों जो आज की वीडियो में पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आज की वीडियो में पढ़ा है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और हाइड्रोकार्बन्स में पढ़े थे एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। देखो क्या पढ़ा था, एल्केन, इसके पहले वाली वीडियो में एल्केन पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा है क्या, एल्कीन, यहां पे ए और यहां पर ई है, एल्कीन, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एल्कीन। इसके बाद पढ़ा है एल्काइन, क्या पढ़ा है दोस्तों, एल काइन। अब यहां पे तीनों में क्या डिफरेंस है तो हाइड्रोकार्बन सी तीनों के तीनों। अब देखो जो एल्केन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां पर आयन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को इनकी 10-10 जो मेंबर है C1 से लेकर C10 तक सारी की सारी स्ट्रक्चर बना के देखनी है, और अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, स्ट्रक्चर बनने में कोई प्रॉब्लम है, या उसके नामकरण में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूंगा। अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इसके आगे वाले टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो दोस्तों इसको लाइक करें, क्या करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को उनमें सब में शेयर जरूर करें, और कमेंट करना न भूले, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट में चाहे तो जय जवान जय किसान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जय जवान जय किसान लिखो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। जय जवान जय किसान, थैंक यू फ्रेंड्स।